सीतापुर में मतदान के लिए सिर्फ 10 दिन शेष रह गए हैं। समय जितना नजदीक आता जा रहा है वैसे ही प्रत्याशियों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। प्रत्याशी अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कस्बों गांव की गलियों से गुजरकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। हर कोई मतदाताओं को रिझाने में लगा हुआ है। विधानसभा चुनाव में भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनसत्ता दल सहित अन्य राजनीतिक दलों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। शनिवार को सिधौली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक मनीष रावत ने क्षेत्र में भ्रमण कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मनीष रावत ने सिंहपुर गांव में रोहित सिंह के आवास पर बैठक कर ग्रामीणों से संपर्क किया। इसके बाद वो बसंतपुर में पूर्व प्रधान और मानपारा में जीटी रोड पर बैंक के पास ग्रामीणों से भेंट की। बल्लई गांव में राम खिलावन यादव के यहां और बाहरी मऊ में सामुदायिक केंद्र के पास बैठक की। इसके बाद वो बम्हेरा गुलवीर मंदिर पहुंचे। यहीं पर ग्रामीणों से मिलकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। ग्राम हमीरपुर में रामू सिंह के घर के पास और जयरामपुर बाजार में जनसंपर्क किया। इस दौरान उनके साथ लालजी भार्गव, सिधौली भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे, सौरभ सिंह, सोनू शुक्ला, राजेंद्र पासवान, शंभू यादव, प्रधान राजा भार्गव, दिनकर सिंह सहित पार्टी के कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। विधानसभा क्षेत्र मिश्रिक से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र धनगर ने अपने समर्थकों के साथ भिटौरा, बनिया मऊ, निवादा, गुलरिहा, कुदरौली आदि गांव में संपर्क किया और 2022 के चुनाव में अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस मौके पर रितेश सिंह भदौरिया, प्रभास सिंह शेखावत, शिवम सिंह, विकास शुक्ला, लेखराम यादव, प्रवीण राजवंशी, शुभम गौतम, विपिन धनकर आदि पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधानसभा क्षेत्र मिश्रिक से मौजूदा विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी रामकृष्ण भार्गव ने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिश्रिक क्षेत्र में भ्रमण कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उनके साथ राम गोपाल अवस्थी सहित तमाम पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।